इस संसार में आपने व्यक्ति देखे होंगे, कोई धन का अहंकार दिखाता है, कोई पद का अहंकार दिखाता है, कोई अपने बच्चों का अहंकार दिखाता है, कोई ताकत का अहंकार दिखाता है, कोई शारीरिक बल का अहंकार दिखाता है, कोई राजनीतिक बल का अहंकार दिखाता है, कोई अपने किए गए कार्यों को आपके सामने वर्णन करता रहता है। कुछ लोग ना किए गए कार्यों को भी कि अच्छा किसी ने किया है नाम अपना जोड़ देते हैं, ये मैंने किया है, बुरा किया है उससे अपना पीछे हट जाते हैं, ये मैंने नहीं किया। कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं जो हत्या करके भी नहीं सोचते और उसको श्रेष्ठ कर्म मानने लगते हैं, अपनी ताकत को दिखाने के लिए कि मैं ताकतवर हूं, न धर्म को समझते हैं, न ज्ञान को समझते हैं, न इंसानियत को समझते हैं, न प्रकृति को समझते हैं, न जीव जंतुओं को समझते हैं, बस मैं का अहंकार। बहुत लोग देखे होंगे अपने समाज में इस प्रकार के, वो लोग आप सोचते होंगे कि ये बहुत शक्तिशाली हैं, ये हमारे से बहुत आगे हैं, बहुत ख्याल आते होंगे कि हम तो बहुत कमजोर आदमी हैं। कमजोर आप नहीं हो, कमजोर वो लोग हैं जो ये कर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनका आने वाला समय आप सब जानते हो कि दुष्ट का अंत तो निश्चित ही होता है। कितने बड़े बड़े राक्षस देखे आपने, सामने नहीं देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे, इतिहास में देखे होंगे, पुस्तकों में देखे होंगे, चित्रों में देखे होंगे, सब के सब नष्ट हो गए, सबका अस्तित्व मिट गया। जो जितना बड़ा राक्षस था उतनी ही दुर्गति से उसका विनाश हुआ। तो ऐसे असुर बुद्धि वाले लोग, दुष्ट बुद्धि वाले लोग, जो सदा लोगों का केवल बुरा ही कर सकते हैं, बुरा ही सोच सकते हैं, उनका ना तो इस जन्म में ही कल्याण होता है, ना अगले जन्म में कल्याण होता है, उनका विनाश तो निश्चित ही है, क्योंकि यहाँ भी विनाश हो जाएगा आपकी आंखों के सामने ही, और यहाँ से जाने के बाद भी उनको प्रेत की योनियाँ प्राप्त होंगी, भूत की योनियाँ प्राप्त होंगी, नरकों के अंदर सड़ाया जाएगा, नरकों के अंदर जलाया जाएगा, डाल दिया जाएगा हजारों सैकड़ों वर्षों के लिए, यातनाएं दी जाएंगी, और फिर उनका जब भी जन्म होगा तब भी उनको अपने कर्मों का भुगतान करना ही होगा, क्योंकि जितने भी शरीर हैं सब केवल कर्म के आधार पर चलते हैं, कर्म के कारण ही बने हैं, कर्म से कोई भाग नहीं सकता, कर्म तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगा जाए चाहे अगले जन्म में भोगा जाए, जो आज हम भोग रहे हैं वो पिछले जन्मों का हो सकता है। तो ये जो कर्म है ये जीव को भोगना पड़ता है कितना भी प्रयास करो। तो वो लोग इस कर्म की मार से नहीं बच सकते, बस आपको ताकतवर नजर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप स्वयं को नहीं जानते, आप अपनी ताकत को नहीं जानते, आप नाम की ताकत को नहीं जानते, धर्म की ताकत को नहीं जानते, सत्य की ताकत को नहीं जानते,
जब आप इनको समझने लगोगे, जानने लगोगे, अनुभव करोगे, तो वो तो आपके नजदीक भी नहीं है, क्योंकि आपको तो इस लोक में भी और अगले लोक में भी केवल सुख ही सुख होगा। कुछ टाइम हो सकता है, पिछले जन्मों का कोई कर्म हो सकता है जो सुख में थोड़ा बहुत बाधक हो जाए, बाधा बन जाए और सुख कुछ टाइम के लिए रुक जाए, लेकिन रोक नहीं सकता। कुछ दिनों बाद फिर बदल जाएगा, उसका विनाश निश्चित है, उसको विनाश को कोई रोक नहीं सकता, और आपका कल्याण निश्चित है, आपके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि कर्म, कैसा भी हम कर्म करें, कर्म तो पीछे कैसा भी कर्म करते रहें, चाहे किसी के सामने करें, चाहे पीठ पीछे करें, चाहे कैसे भी कर्म करें, कर्म का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। कितना भी बचने का प्रयास करें, कितना भी भागने का प्रयास करें, न हम अपने कर्म से बच सकते हैं, न हम अपने कर्म से भाग सकते हैं। जो आपने कर्म कर दिया, लिखा जाता है सब, और वो लिखा हुआ कर्म जब आप धर्मराज के दरबार में जाओगे, वहाँ न्याय सुना दिया जाएगा और आपको अलग अलग जगह भेज दिया जाएगा। जिन्होंने अच्छे कर्म किए वो अच्छी जगह चले जाएंगे, जिन्होंने बुरी जगह भेज दिया जाएगा, उन्होंने बुरे कर्म किए हैं, आपके सामने सब कुछ न्याय होगा। आप न्याय के ताकत को देखोगे तब आपको एहसास होगा हम तो ऐसे लोगों से कितने श्रेष्ठ हैं। लेकिन ऐसे लोगों से अपनी तुलना भी मत करो, ऐसे लोगों को देख करके खुद को जज भी मत करो कि मैं ऐसा हूँ, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। नहीं, अपने समय अपना निर्माण करो, अपने जीवन का निर्माण करो, अपने आने वाले समय का निर्माण करो, और जब आप निर्माण करोगे, आपके अंदर निर्माण की ऊर्जा होगी, तो यह आत्मा धीरे धीरे जैसे नदी पहाड़ से चल करके सागर में चली जाती है, उसी प्रकार से यह आत्मा धीरे धीरे उस परमात्मा तक पहुंच ही जाएगी। जब आप प्रयास करोगे तो सत्य के मार्ग पर चलने के लिए